जी खुशी देख रहे हो संगवारी हो अपना खुश काबर हो खुद बता दे सबो लेका पिचका जवान सी हमन ल जय जोहार संगवारी हो। कल रात के हमन जो है यहाँ पहुंचत संगवारी हो 5 बज गए देखते रहेगा तो रात के 11 बजे निकले रहे और सुबह वापस आते थे 5 बज गए और कब सो गए मैं सो के बाद अभी उठे हों 8:30 हो चुकी है और ये रहे संगवारी हो मामा जी और यहाँ पे मामी सब्जी बना थे यहाँ पे भाभी भी काम कर रहे थे और यहाँ पे गुल्लू भाई चलो चले ये संगवारी हो डोमन भैया भी उठ गए महादेव घाट की वीडियो भी बनाई है अगर चैनल में जाके देखो डोमन कहाँ रहे आगे सीजी डोमन सीजी ब्लॉग जय जवाहर संगवारी अभी तो गुटारा नहीं धोए गलो के पोछाए गलो के नहीं है रात कर के थक देवी जी मतलब देख के कैसे एक्सप्रेशन दिखी आते ही गोबर बता रहे हो यार उनसे आपका ड्यूटी है ना गोबर फेंकने का संगवारी हो देवी जी कहा थी कि मोर पर एप्पल लाते तो मैं देवी जी के लिए लाया हूँ एप्पल मैंने तो ऐसे बोल दिया था और साथ में एक स्पेशल चीज है एक स्पेशल मिठाई है जो कि अभनपुर में मिलता है खोलो मतलब पेड़ा ही है लेकिन क्वालिटी बहुत जबरदस्त है वो वाला दुकान का क्या हम लोग खा चुके हैं हाँ हाँ खा देखो ना अच्छा बाद में खाओगे होम करना है यार अच्छा ठीक है तो कर लो ना तो बाद में खाओगे पीते वाला होम करना अरे अच्छे से लपेट के रखो गिर जाएगा आप इसको ये रखा बता कैसे लगा तेरा ज्यादा मत देखना मतलब किससे लगाते हैं अच्छा ये हम लोग खा चुके हैं यार वो नहीं नहीं बाद में अभनपुर में वो है ना हाँ वही चे आलू गंडा टाइप हाँ वही चेच के हरे इसमें खा चुके हैं एमपी होटल बहुत ज़्यादा मीठा दांतों में उठ दूसरा दिन बहन या कुन सब लेकर पिचका जवान सी अन मल्ला जय जवाहर संगवारी हूँ सुबह सुबह मैं दौड़ के आ चुके हूँ और जो नहीं नहाया रहता है उसको ऐसे खाने में नहीं मिलता ये नहीं नहाया हाँ तो मैं अभी दौड़ के आऊँ यार तुरंत कैसे नहाऊँ हम काम करते नहाया हाँ तो आपने जितना दौड़ा उतने से ज्यादा मैंने दौड़ दौड़ के काम कर लिया अच्छा देवी जी आज नाश्ता में कर रहे थे एप्पल एंड चना पल छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं सेब जो बेचने वाले रहते हैं ना सेब अनार ले सेव अनार वो लेकिन कुछ और होता होगा जैसे मेढक को पेचका बोलते हैं पेचका नहीं पता उस दिन तो मेढक आया था तो गोभी पेचका मेचका बोलते हैं यार पेचका नहीं बोलते मेचका हाँ आपका पचका हो गया अभी जी खुशी देख रहे हो संगवारी हो छोटी खुशी कर अपना खुश काबर हो खुद बता दे नहीं बताओ तो संगवारी हो अब समय आ चुके हैं किचन संभाले के तो सुबह सुबह मैं देवी जी पर चाय बनाता हूँ कबर की देवी जी की स्पेशल डिश आ चुके हैं बंद कर दिया चाय ला गिलास में डाला था वैसे देवी जी कुछ खास डिमांड करे नहीं बस डिमांड यही रहते कि समय विशेष में उनकी सेवा कर दिया जाए ये लो सेवा करो थैंक यू ठीक है देखो कैसा बना अच्छा तुझ वाला चाय बनाने के लिए ना आने अच्छे हो यार संगवारी हो यहाँ पे मैं आ कर रहा था थोड़ा से होम नारियल ला पहले थोड़ा सा नारियल के बूचला पहले छील दे और बाद वहाँ थोड़ा सा तेल डाले हूँ और कबर चला हूँ कबर गुड़ ला ऊपर से गुड़ के होम दे दे हूँ अभी मैं बनाता हूँ सबसे पहले चावल मैं डाल देता हूँ 2 गिलास पानी
जी दाल बना चुके हैं, चावल चढ़ चुके हैं। अब बारी है करेला कांटे के काबर की, करेला की सब्जी बना हो। सबसे पहले करेला धो लेता हूं। करेला धुल चुके हैं। करेला कटा चुके हैं। चावल बना थे। आलू और प्याज लभी धो लेता हूं। प्याज काट लिया जाए। धनिया धो के रखना है सब्जी पर। सरसों तेल, कढ़ाई गरम हुआ थे, सरसों तेल डाल दो यहाँ। और ये सरसों और सौंफ और ये अरे कालू जीरा मतलब कि कराया, ये सब चीज के तड़का लगाने वाला हूँ मैं यहाँ। क्या हुआ देवी जी? देवी जी मोला देख के डांस कर रहे थे, बेचारा मेरा पति काम कर रहे थे घर के। आई हूँ तेल चढ़ गया। क्या डाल है? पंखा चालू कर दो क्या? ये धुआं चला जाएगा। नहीं नहीं चलेगा। खाना बन गया चावल? हाँ बनने वाला है, जल भी गया। नीचे चना भी है, अगर चटनी नहीं बनाओगे तो उसमें चना डाल सकते हो। क्या करोगे? उसी पे चना डाल दो। हमारे में चावल बन चुके हैं। ये अरे हल्दी, थोड़ा सा हल्दी डाल देता हूँ। जो जो डालना रहता है मैं सामने में निकाल लेता हूँ ताकि इजी रहे और मैं भूलू मत। यहाँ पे प्याज लभी डाल देता हूँ। ये देखो संगवारी हो कैसे मैं खाना बना सकूँ। पहला प्याज ला डाल दे हूँ और पहले हल्दी डाले हूँ, उसके बाद प्याज ला डाले हूँ। अलवा जब खाना बनाते हो भाई बस इला हल्का से चूर हो तो बाद में सब्जी डाल दो। करेला और आलू को डाल दिया जाए। और थोड़ा सा नमक मतलब बढ़िया से मिला देता हूँ। तो संगवारी हो ये देखो चावल हा कैसे बने हैं तेला, ठीक है नहीं संगवारी हो? देवी जी चना भी गोरी से तो इला भी करेला में डाल देता हूँ। करेला आलू और चना तो बहुत सारा सब्जी हो जाए यार, खा पाओगे नहीं। जब भी खाना बनाता हूँ तो मुझे ऐसे लगते कि सब्जी बनाने में सबसे ज्यादा टाइम लगते कबर की सब्जी में मतलब एक एक करके छोड़ एक एक स्टेप करके बनाए पड़ते ना। चावल ला बस पानी डाल और चढ़ा दे, दाल ला भी पानी डाल और चढ़ा दे, मैं कुछ करे नहीं लगी। ये मैं बार बार इन्वॉल्व रहे लगते तेगर से ऐसे लगते कि बहुत ज्यादा टाइम लगता। आप मन लगा लगते कमेंट करके बताओ। खाना रेडी होने से पहले संगवारी को एप्पल खा लिया जाए और ऐसे धो के पल्ला में कुछ इस तरीके से ऐसे मैं घुसा के से कर देता हूँ। उसके बाद संगवारी को काट के खा लिया जाए। एक कैमरा में मिल जाएगा तो मजा आ जाए यार, रात दिन शूटिंग करते रहे। अब एक एडिटिंग करने वाला। अब संगवारी हो यहाँ मैं डाल देता हूँ थोड़ा से लाल मिर्च, ज़्यादा नहीं डालूँ नहीं तो चुरचुराक मर जाऊँ। थोड़ा से धनिया पाउडर घर में पीसे हुए, घर में पीसे हुए धनिया पाउडर के फ्लेवर अलग रहते। एक पैकेट घरकुल मसाला मिला दिया जाए। हौले हौले संगवारी हो सब्जी फाइनली बन चुके हैं। देख थोड़ा से चीख से देख लेता हूँ यार, ज़बरदस्त बने। बस थोड़ा से नमक और डाल देता हूँ और लास्ट में थोड़े से धनिया। सोमवार हो चलो खाना लगाया जाए। दोपहर हो चुकी है, देखो चना आलू के नहीं 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 आलू आलू दे चना दिखा नहीं करेला निकाल दो। मैं कैसे खाऊँ यार, पहले तो ये बताया करते उल्टा पुल्टा। मैंने बोला था ना हर तीसरे दिन करेला लेके मत आना। मुझे लगता है खून को साफ करने की जरूरत है। जो लोग बाहर का कचरा खाते हैं उनको साफ करने की जरूरत है। बाहर गया था यार,
जो घर का खाते हैं उनको करेले की जरूरत नहीं है। तो घर गिर हो तो पूरी बनाया था थोड़ी, नहीं मैं नहीं खा सकूं। बोल सकते पूरी बनाया था टेस्टी तो मैं क्यों, चलो यार खिलाओ सबके। कैसे कर रहा था यार, तो क्यों रोज रोज कर रहा है क्या? अब अगली बार से करे, अगले बार से करेला लाऊ ना तो एक तो निकला हूँ तो मत पूरे थे इसने। देवी जी की थाली और थाली, चलो शुरू किया जाए। ओम अन्नपते अन्नस्य नो देह्य नमीवस्य शुष्मिणः प्रप्रदातारं तारुष ऊर्जन्नो देहि द्विपदे चतुष्पदे। ओम मोघमन्नम विन्दते अप्रचेताः सत्यं ब्रवीमि वध इत्सतस्य नार्यमणं पुष्यति नो सखा आयं केवलाघो भवति केवलादि। ओम शांति शांति शांति। सोमवारी को दुकान में आप और अभी जो है पारस आरोग्य मंत्र के लिए जो है मंत्र निर्माण हो रहे वीडियो बनाए थे, एडिटिंग कर रहे भाई। हाँ तो संवारी हो, शाम हो चुके हैं, मैं सब्जी लेके ला चुकी हूँ। आज मैं सब्जी में लाऊँ ये दे परवल, और परवल लब बना था संवारी हो, आलू में डाला हूँ सिर्फ और सिर्फ परवल, टमाटर काट के डाल दे हूँ, अब मिर्ची भी डाल हूँ, मिर्ची और मसाला आदि भी डाल दे हूँ, थोड़ा से घुमा दिया जाए संवारी हो। थोड़ी देर बाद अभी मैं डाल देता हूँ पानी, तभी तो रस्सा वाला बनी। तो संवारी को खाना बना चुके हूँ, ये देखो चावल, ये देखो सब्जी, यहाँ पे देवी जी की थाली भी रेडी हो चुकी है, और यहाँ पे चुकंदर। संगवारी हो आज के वीडियो बस इतनी दूरी तक, वीडियो अपन लग कैसे लगी ये छोटे से वीडियो कमेंट करके जरूर बताओ, अच्छा लगी सो इतना लाइक कर दो शेयर कर दो, और इसने छत्तीसगढ़ी में वीडियो देखना है तो सीजी के पारस ले सब्सक्राइब कर दो। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। और हाँ संगवारी हो, यदि आप मन में से कोई भी ला ज्वाइंट पेन होते, कमर दर्द होते, घुटना दर्द होते, या फिर शरीर में कमजोरी है, वीकनेस है, जल्दी थकावट होते है ना, या फिर जो है यौन शक्ति कम है, तो वो सब चीज़ के लिए जो है एक होते शिलाजीत। शिलाजीत जैसे कि अपन फोटो में देख सकते हो, शिलाजीत के एक पत्थर होते हैं, ओकर से लो एक्सट्रैक्ट करके निकाले जाते, तो एक अपन सेवन कर सकते हो, सेवन करे से जो है कमजोरी दूर हो जाएगी और स्टैमिना बढ़ जाएगी और जॉइंट पेन आदि जो है ठीक हो जाएगी। तो यदि अपन जो है खरीदना चाहते हो तो मोर से कॉन्टेक्ट कर सकते हो 9111193541 में। ठीक है, टाटा बाय बाय।